सुहेल साहब, जो यहाँ पर डाउनटाउन में ई ऑटो रिक्शा डाले गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हो? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप यहाँ पे आए। जिसके लिए एक ऐसी अच्छी मैसेज भी है और अच्छा वर्ग भी है कि जो यहाँ पे आज ये ऑटोओं का सिलसिला चालू हो गया, इससे कम से कम बेरोजगारी का आलम है जो वो थोड़ा बहुत ख़त्म होने के अहकाम रखता है। दूसरी बात, आवाम को भी इस चीज़ से फ़ायदा है कि उन्हें एक रेट इसके कम पड़ रही है, 10 रुपये 15 रुपये की सवारी मिलती है। एक अच्छा सेटअप है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका पार्ट है तो मैं उन्हें इसमें वेलकम शेयर करता हूं, और प्लस मैं चाहता हूं कि यह हर एक एरिया में चले ताकि आवाम को भी सफ़र का खर्चा कम पड़े, और प्लस जो बेरोज़गार नौजवान यहाँ पर बैठे हैं वो इन चीज़ों में जम हो जाएंगे और कारोबार को आगे बढ़ाने का हर एक बेनिफिट उन्हें मिलेगा। दूसरी बात यही कि मैं J&K बैंक के चेयरमैन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोलर को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, J&K UT के खास तौर पर जो कश्मीर प्रोवेंस से वाबस्ता है, और PNB पंजाब नेशनल बैंक से भी मेरी एक रिमोट वाला रिक्वेस्ट है, वो यहाँ के यूथ को ये ऑटो फराहम करे, इनके लिए फाइनेंस इशू करे, और उसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई गारंटर का कोई टेंशन ना बनाए, इन्हें CC अकाउंट वाला कोई गारंटर लीजिए ताकि यहाँ के जो नौजवान है जो ड्रग वगैरह में मुतला है वो इन कामों में मुलवस हो जाए, अपना रोजी कमाने के लिए उनके लिए अच्छी एक वसादत है। देखिए, अभी मेरे ख्याल से जो इन्होंने यहाँ पे शुरुआत की है, माशाल्लाह ये शुरुआत जो है ये एक एक्सलेंट सिस्टम है, इनका एक अच्छा कदम साबित हुआ है, और इंशाल्लाह रहमान मेरी J&K UT के एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को बढ़ोतरी देने के लिए अच्छे स्टेप्स उठाए ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये तकरीबन 50-60 के करीब हो जाए, ताकि आने जाने के जो सफ़र लोगों को करना पड़ता है ये समूह से भी बेटर रहेगा और ये कामयाब रहेगा, और इसमें कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100-150 बंदा अपॉइंट हो जाएगा और गलत कामों को भी मुंतखब किया जाएगा, इन चीज़ यानी कि बर्खास्त हो जाएगी। जब यूथ कमाने के चक्कर में रहेगा वो ऑटोमेटिकली अपने लाइफ को संभालने की कोशिश करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।